सच साहस सरोकार। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पीयूष जैन की कल होनी थी रिहाई। परवाने से रूटी के चलते सुधार के लिए वापस भेजा गया। परवाने में सुधार के बाद आज हो सकती है रिहाई। पीयूष जैन को साथ ना ले जाने पर परिजन हुए मायूस। पीयूष जैन की कल होनी थी रिहाई। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परवाने में रूटी के चलते सुधार के लिए वापस भेजा गया। परवाने में सुधार के बाद आज हो सकती है रिहाई। पीयूष जैन को साथ ना ले जाने पर परिजन हुए मायूस। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पीयूष जैन की कल होनी थी रिहाई। परवाने में त्रुटि के चलते सुधार के लिए वापस भेजा गया। परवाने में सुधार के बाद आज हो सकती है रिहाई। पीयूष जैन को साथ ना ले जाने पर परिजन हुए मायूस। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बदायूं दौरा। जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन के महकमे में मचा हड़कंप। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बदायूं दौरा। जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन के महकमों में मचा हड़कंप। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बदायूं दौरा। चंदौली से बड़ी खबर, शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। कंटेनर से बरामद किया गया 365 पेटी अवैध शराब। 65 लाख की कीमत की बताई जा रही शराब। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। कंटेनर से बरामद किया गया 365 पेटी अवैध शराब। 65 लाख की कीमत की बताई जा रही शराब। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। कंटेनर से बरामद किया गया 365 पेटी अवैध शराब। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत पाठक हमसे जुड़ेंगे। अजीत पाठक, 365 पेटी शराब बरामद की गई है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको हम बता दें कि इलिया मोड़ पर चेकिंग के दौरान हरियाणा से बिहार की ओर ले जाया जा रहा था कंटेनर के द्वारा, जिसमें अंग्रेजी शराब 365 पेटी बरामद हुई। वहीं कुल कीमत 65 लाख का बताया जा रहा है। वहीं एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी वही पुलिस छानबीन में जुटी है। जी धन्यवाद अजीत, तमाम जानकारी के लिए।